की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दबंगों ने ऐसा किया है, गोली से उड़ाया है, पिता पुत्र को टारगेट किया, दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया, राशन की दुकान पर ये गोली मारी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त राशन लेने के लिए चारों तरफ अफरा तफरी है, राशन की दुकान पर गोली मारी गई है। लेकिन सरकार पूरा काम कर रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अफरा तफरी मचाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपके द्वार तक राशन पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करना है, वरना सरकार की जो ये मेहनत है उसका इस्तेमाल तो कीजिए। राशन की दुकान पर गोली मारी गई है, ये फरधान क्षेत्र के मनिकापुर का मामला है। शारिक, मैं जानना आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये राशन की दुकान पे हुआ है, मामला क्या था, पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। देखिए, फरधान के मनिकापुर का ये मामला है, आपके रहने वाले रमेश जो कि पेशे से अधिवक्ता है और अपने पुत्र के साथ वो राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए गए थे। इनका इसलिए कि ये मामला था, ललन शुक्ला नाम के व्यक्ति के मर्डर में आरोपी थे रमेश शुक्ला और ये कुछ समय पहले ही अमानत पर चल रहे थे, तो उसी को लेकर ये जो दूसरा पक्ष था वो काफी दिनों से बात लेकर मौका तलाश रहा था कि इनको किस तरह से बदला लिया। यानी शारिक, ये कोई पुरानी रंजिश है? बिल्कुल पुरानी रंजिश का ये मामला है और डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, दहशत का माहौल है। आरोपी फरार हो चुके हैं, हालांकि पुलिस का यह दावा है कुछ ही समय में इनको गिरफ्तार करेगी। खबर एकदम साफ है, शारिक ने बता दिया कि पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है।